नमस्ते, आपका स्वागत है कैनवा डिजाइन हिंदी यूट्यूब चैनल में। हमारा मकसद है आपको हर पहलू से रूबरू कराना और आपके क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कैनवा में आपकी जो कोई भी इमेज है वहाँ पे एआई से इमेज को कैसे क्रिएट कर सकते हो, यानी कि टेक्स्ट टू इमेज कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपको आपका कैनवा का लॉगिन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली एप्स पे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा और यहाँ पे फीचर्ड में ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज रखा ही है। इस पे सिंपली जस्ट आपको एक क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको जो कोई भी इमेज चाहिए या जिस तरीके से बैकग्राउंड चाहिए तो वो आप यहाँ पे सिर्फ राइट कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किड्स प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, और यहाँ पे मैं मेंशन भी कर लेता हूँ कि देयर मस्ट बी टॉयज एंड बोथ किड्स एंड देयर मस्ट बी फाइव किड्स। ओके, अभी मैं यहाँ पे सिंपली एंटर को प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही एंटर को प्रेस करता हूँ यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी इसी स्लाइड यहाँ पर ही, और आपको सिंपली थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पर वो आपको फ्री में चार इमेजेस को प्रोवाइड कर लेगा। देख सकते हो आप यहाँ पे कि जैसे हमने लिखा था कि चार से पांच हमें बच्चे चाहिए, यहाँ पे फाइव लिखा है पर यहाँ पे एक्यूरेट वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, पर यहाँ पे एटलीस्ट किड्स जो किड्स है वो प्लेग्राउंड में खेलते हुए हम देख सकते हैं। इस इमेज को अगर ऐड करना है सिंपली आपको एक बार ऐड करना है उस पर, यहाँ पर आप इमेजेस को बड़ा कर सकते हो, पर देख लो जब भी आप ऐसी इमेज को क्रिएट करते हो तो वो इमेज की एक्चुअल व्यू कैसी आती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं तो मुंह थोड़ा जो है वो अच्छा नहीं आता है, तो ये दिक्कत रहती है यहाँ पर कि आप इमेजेस को ऐड करते हो तो फेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। मेक श्योर अब हम सिर्फ ऐसा लिखते हैं कि हमें बैकग्राउंड्स चाहिए, बैकग्राउंड्स विथ लाइट, ओके लाइट कलर्स। ओके, नाउ हम सिंपली एंटर कर देते हैं और सेम हर एक बहुत देर नहीं लगती है, 15-20 सेकेंड जितना लगता है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा और यहाँ पे इजीली वो इफेक्ट्स आप देख सकते हो। मेक श्योर कि यहाँ पर आपको केवल यूज के लिए फ्री वर्जन में 50 क्रेडिट्स मिलते हैं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे यूज करना है उसको। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे रूल्स भी लिखे हुए हैं, आप वो रूल्स को भी जाकर चेक कर सकते हो इसी लिंक पर। तो होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल आपको दिखाई देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, मैं इतना ही सिर्फ केवल लिखता हूँ और यहाँ पर आप इमेजेस को देख सकोगे कि कितनी अच्छी आपको बैकग्राउंड के हिसाब से या तो फिर कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है जहाँ पर भी मेक श्योर एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर भी आप ह्यूमन आप देखोगे, आप ऐड करोगे ह्यूमन के हिसाब से तो वह रिजल्ट इतना एक्यूरेट नहीं होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छा बैकग्राउंड हमें मिल गया है रेडीमेड, तो इसको आप मल्टीपल जगहों पर यूज़ कर सकते हो आपकी नीड के अनुसार। तो ऐसे ही आपको सिर्फ कीवर्ड्स या अच्छे से प्लेसमेंट जो सेंटेंस है जो आपको एक्चुअल रिजल्ट चाहिए वो रखना पड़ेगा। होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है, तो यहाँ पे देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें कैनवा डिजाइन हिंदी यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।